नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा आपका ऑनलाइन नेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सुनीता केजरीवाल के बारे में। जी हाँ, वही सुनीता केजरीवाल जिसे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी के रूप में जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस समय अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल में है और ईडी उनसे पूछताछ में लगी हुई है। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब खबर को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता केजरीवाल कोई अनपढ़ गाँव की सीधी साधी नारी नहीं है, बल्कि केजरीवाल से 100 गुना ज्यादा एक अति चतुर और मजी हुई गाग नारी है, जो टीवी पर 200 रुपए का सलवार सूट पहनकर और एक दुखी शोक संतप्त नारी के रूप में आती है, जैसे वह किसी अनाथ या विधवा आश्रम से आ रही हो और जिसके रहने ना खाना रहने का ना खाने का ठिकाना हो। वह एक पूर्व आयकर अधिकारी है। वह पूछ रही है कि अगर घोटाला हुआ है तो पैसा क्यों नहीं मिला। इसे पूछा जाना चाहिए कि अब्दुल करीम तेलगी, हसन अली, हर्षद मेहता, सुरेश कलमाड़ी कोयला घोटाले में कुछ IAS ऑफिसर और लालू के हजारों करोड़ के घोटाले थे, लेकिन पैसा तो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ। फिर अदालत ने इनको सजा क्यों दी? लालू आय से अधिक मामले में बरी हो गया, किंतु घोटाले के 5 मामलों में सजा याफ्ता है। तेलगी और हर्षद मेहता तो जेल में ही मर गए, वे बाहर निकल ही नहीं पाए। सुनीता के हिसाब से तो यह सब बिल्कुल निर्दोष थे क्योंकि पैसा बरामद ही नहीं हुआ। तो क्या जज मूर्ख थे जिन्होंने इनको सजा दी थी? 2G घोटाला में पैसा तो बरामद नहीं हुआ और ए राजा व कलीमोजी गवाहों के मुकरने से और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी करने की संस्थागत निर्णय पूरे मंत्रिमंडल का होता है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की यानी मनमोहन सिंह की थी, तो मनमोहन सिंह भी जेल जाते तो मनमोहन सिंह को जेल जाने से बचाने के लिए राजा बरी हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द कर दिया हो और सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि बुढ़ापे में मनमोहन सिंह को जेल भेजना उचित नहीं होगा। इसी तरह से कोयला घोटाले में सभी कॉल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिए गए और कांग्रेस सांसद विजय दर्डा सहित 8 लोग आज भी जेल में हैं। अब उच्च न्यायालय में इसकी फाइल फिर से खुल गई है। इस बार न्याय होगा क्योंकि इस बार पहले की तरह वकील अदालत नियुक्त नहीं करेगी बल्कि सरकार नियुक्त करेगी। मैडम सीएम को याद दिलाना चाहूंगी, ईडी 6 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और 128 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है इसी शराब घोटाले में। क्या ईडी किसी की जायज कमाई हुई संपत्ति जब्त कर सकती है? हरगिज नहीं। अदालत से तुरंत स्टे मिल जाएगा। क्या यह पूर्व IAS यह सब जानती है? जानती नहीं कि मेरा पति क्यों सिंगज में है? इस ड्रामा क्वीन से ज्यादा अच्छे तरीके से कौन समझ सकता है? जब शीश महल में लाखों के पर्दे, लाखों के टाइल्स और लाखों का कमोड लग रहा था, तब इसको नहीं मालूम था कि पैसा कहां से आ रहा है। टाइल्स के ठेकेदार ने अधिकारियों को बताया है कि मैडम सीएम ने टाइल्स पसंद किए थे। सरकारी फाइल में चीफ इंजीनियर ने दर्ज किया है कि मैडम सुनीता केजरीवाल ने फलाने फलाने चीज पसंद की है और उसे जल्द से जल्द खरीदा जाए। यह इटालियन मार्बल के दुकान में खुद आई थी और लाखों की एक मूर्ति भी ले गई थी। आप समझ सकते हैं कि ये पति पत्नी कितने शातिर हैं। सतेंद्र जैन 2.5 साल से जेल में हैं, मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में हैं और संजय सिंह भी कई महीने से जेल में हैं इस शराब घोटाले के मामले में और सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं, लेकिन अदालत जमानत नहीं दे रही है। जबकि मनीष सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, फिर भी जमानत नहीं मिल रही है। सोचिए, क्या जज मूर्ख हैं? और यह अपना नारी कह रही है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। मैडम जी, देखती जाइए पृथ्वी के इस महान कट्टर ईमानदार व सच्चे हरिचंद्र के कुकर्म इसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईश्वर के हाथ देर है, अंधेर नहीं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।